नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और अभी हम फलका के हथवाड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 10 यानी अमोल में हैं। यहाँ एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक बिटिया का तस्वीर, बिटिया का मतलब बेटी, बिटिया का तस्वीर दिखा रहे हैं। 100% विकलांग का सर्टिफिकेट लेके इनके गार्जियन घूम रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुख सुविधा इनको नहीं मिला। हम उन जनप्रतिनिधियों को जरूर कहना चाहेंगे जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करते हों, लोकसभा में करते हों या मुखिया जी हैं, इन जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, कृपया इस बच्ची को देखिए कि इसमें कितना हौसला है। ये सारा चीज़ करना चाहती है, खाती भी है तो पैर से, लिखती भी है तो पैर से, हर काम ये पैर से करती है और बिटिया को पढ़ने का भी मन है, लेकिन माँ बाप गरीब हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, जिसके चलते यह बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। अगर हम इस वीडियो को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि लोग समझें, जो थोड़ा सा अगर कहीं कोई दिक्कत हो जाता है हाथ में या पैर में, विकलांग हो जाते हैं 10%, 20%, 30%, तो वो कहते हैं कि हम विकलांग हैं, लेकिन इस बच्चे का, इस बिटिया को देखिए, ये 100% विकलांग है, यानी पूरा शरीर ही विकलांग है, लेकिन करने का जज्बा है इस बिटिया में कि देखिए कि पढ़ती भी है, लिखती भी है, सारा काम करती है पैर से। और उन लोगों को हम कहना चाहेंगे, हम पिछले बातों में हम कह रहे थे कि उन जनप्रतिनिधियों को कहना चाहेंगे कि हुजूर, आपके क्षेत्र में ऐसी बिटिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कहते हैं कि बिटिया को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, तो सर आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, अगर थोड़ा सा सहयोग अगर इसको, इस बिटिया को मिल जाएगा अगर आपके थ्रू, तो इस बिटिया का कायाकल्प पलट सकता है। वीडियो दिखाने का मतलब ही यही है। और दूसरा चीज कि थोड़ी थोड़ी परेशानियों में जो लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, उस वह लोग इस बच्ची को देख कर सीखिए, समझिए कि जो पूरे शरीर से 100% विकलांग है, लेकिन उसके हौसले को आप मैंने तवज्जो दीजिए, उस हौसले को सलाम कीजिए कि जो बच्ची आज भी देखिए कि अपने हौसले के दम पर पैर से लिखती है, हाथ का तो छोड़ दीजिए हजूर, पैर से लिखती है, पैर से खाती है, सारा चीज पैर से करती है। तो हम हाथ जोड़ के उन जनप्रतिनिधियों को बोलना चाहेंगे कि सर थोड़ा सा अगर आपका सहयोग अगर इस बिटिया को मिल जाता है तो हो सके ये अपने ज़िंदगी में जो चाहती है वो पूर्ण कर सके। फिलहाल चलिए बिटिया से बात करते हैं, उनके गार्जियन से बात करते हैं, सारा चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? चांदनी कुमारी। चांदनी कुमारी। अच्छा, पढ़ने का मन करता है? क्या? हाँ, बोलती है हाँ, मन हाँ, करता पढ़ने है। का मन करता है। अच्छा बेटी, बताओ पढ़ के क्या बनेगी? पढ़ कर क्या बनेगी? क्या बोल रही है? बोलती है बहुत बड़ा अफसर बनना चाहती है। अफसर बनना चाहते हैं। अच्छा, अपने से सब काम कर लेती है? हाँ। सब कुछ ये अपने से करती है? बोल नहीं सकती है क्या? बोल नहीं सकती है, पैरे से अपना काम, सारा काम पैरे से करती है। अच्छा, आप लोग पर बोझ नहीं बनती है? नहीं, बोझ नहीं, अपना काम अपने से पैर से कर लेती है। आपका क्या नाम है? उषा देवी। आप इनकी के हैं? बड़ी बहन है। बड़ी बहन है। हाँ। तो कभी भी आप लोग के ऊपर ये बोझ नहीं ना बनी? नहीं, बोझ नहीं बनी, सारा काम अपने से कर लेती है, खुद से अपना। पढ़ने जाती है स्कूल? हाँ, जाती है। पैर कौन क्लास में पढ़ती है? 8 में पढ़ती है अभी। 8 में पढ़ती है। अच्छा, और इसका कपड़ा लत्ता वगैरह सब अपने सब से? सब खुद से, सब कपड़ा लत्ता सब साफ करती है, पैरे से अपने से करती है सारा काम, अपना सारा काम अपने से करती है। आपका शादी हो गया है? हाँ, हो गया। अच्छा, तो पिताजी इसको पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं? हाँ, पढ़ा रहे। पिताजी भी है, गरीब है, मजदूरी करके, लेकिन पढ़ाते हैं। 5 बेटी है मेरे पिताजी को। पांच बेटिए हैं, लेकिन एक विकलांग है, फिर भी मेरे पिताजी मजदूरी करके ये हर बेटिया को पढ़ा रहे हैं, हर बेटी को पढ़ा। हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि तुमको मैंने बहुत बड़ा आदमी बनना है ना? हाँ। अच्छा, तुमको क्या तकलीफ है? तुम क्या सरकार से क्या चाहती है, बताओ क्या चाहती है? चाहती है कि हमको सरकार की तरफ से थोड़ा सहयोग मिल जाएगा तो हम पढ़ लिख सकेंगे, आप आगे चल के कुछ बन सकेंगे ठीक से। विकलांग भी हैं, गरीब हैं, तो माँ बाप एक तो पढ़ा रहे हैं, कुछ ऊपर से भी अगर सुविधा कुछ मिल जाएगा पैसे का, यही सब का, तो हम और आगे पढ़ सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। कोशिश कीजिए। और जब हम यहाँ आए थे तो इनकी माँ का कहना था कि 5 हमको बेटी है और यह एगो बेटी विकलांग है, सर का बोझ हो गई है, लेकिन हम इनको बोले
कि आप जो भी अगर स्थान पर आज हैं कहीं हो सके इसी बिटिया के चलते हो, यह भी हो सकता है। और हमारा जो ये प्रयोजन था इस न्यूज़ का दिखाने का बस यही था कि यह देखिए कि यह नन्ही सी बच्ची आज पूर्णतः 100% विकलांग है, लेकिन इसका हौसला देखिए कि यह अपना सारा काम पैर से करती है, पढ़ने का भी चाहती है, लेकिन माँ बाप गरीब हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं, असमर्थ हैं। तो कृपया जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो एनजीओ चलाते हैं इस तरीके का, जो हेल्प करते हैं, उन लोगों से विनम्र भाव से मेरा कहना है कि इस बिटिया को थोड़ा सा हेल्प कीजिए, क्योंकि इसका भी कोई सपना होगा, हो सके कि इसका सपना अंदर में दबा हो। अगर आपके थोड़े से योगदान से, थोड़े से हेल्प से अगर इस बिटिया को इसका सपना पूर्ण हो जाता है, तो इससे बड़ा पूजा कुछ हो ही नहीं सकता है। हम इसी तरह का वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।